नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं विकी न्यूज। माथे पर चप्पल, गले में टंगा मटका और कमर पर बधी रस्सी से पीछे टंगी झाड़ू। शख्स की यह हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि मानसिक विक्षिप्त है, लेकिन ऐसा अगर आप भी सोच रहे हैं तो जरा रुक जाइए। ये पागल नहीं है, सिस्टम ने इसे पागल बना दिया है। बेटे के लिए हक मांगते मांगते इसकी यह हालत हो गई है और फिर इसने विरोध के लिए ये सब हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन कहते हैं कि इंसाफ मिलता जरूर है, हाँ हो सकता है उसमें समय लग जाए। इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, इसकी ये मुहिम रंग लाई है। राजस्थान में सरकार बदली तो इसकी उम्मीदों को भी पर लग गए। नई सरकार में हवा महल से चुने गए विधायक बाल मुकुंद आचार्य की नजर इन पर पड़ी तो उन्होंने इसे इंसाफ का पूरा भरोसा दिया। आपकी बात सुनी जाए फिर आप इसे बता दोगे? बिल्कुल, ये अपन क्या है, सिर्फ सुशासन आ गया, कुशासन चला गया, इसी वालों ने आपके साथ ये हरकत की, इसी वालों ने की। आप पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार आदमी हो, आपको शोभा नहीं देता, ये सब पिछली सरकार की गलतियां थी, उस वजह से ये सब हमें भुगता है और आप लोगों ने ये सरकार को भगाया, डिलीट किया है। आपकी बात अभी सीएम साहब के पास जाएगी और आप मेरे को नंबर दो, आपके फोन आ जाएगा, वापस आपको वही कर दूंगा। शिकायत क्या थी? ये तस्वीरें विधानसभा के बाहर की है। शख्स गेट की तरफ बढ़ रहा है, उसी दौरान वहां से गुजर रहे विधायक बाल मुकुंद चार ने अपनी गाड़ी वहां रुकवाई और युवक को इस अवस्था में देख बातचीत की, फिर खुद गाड़ी से उतरे और व्यक्ति के सिर से चप्पल हटाई और मटके की रस्सी खोली, युवक के माथे पर दुपट्टा बांध कर उसे वहां से जाने को कहा। विधायक ने युवक को आश्वासन दिया कि उसकी शिकायत दूर हो जाएगी और इस पूरे एक्शन को देखते हुए ऐसा लगता है कि रामराज यही है। सुशासन इसी को कहते हैं, किसी को परेशान ना होना पड़े, छोटी छोटी समस्याओं के लिए हरकत ना करनी पड़े। उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार बदली है तो राजस्थान के लोगों की किस्मत भी बदलेगी और उनको इस तरह की समस्याओं से निजात मिलेगी। और अब इस एक्शन पर, बाल मुकुंद चार के इस एक्शन पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।